बारिश बच्चों व युवाओं के चेहरे पर खुशी लेकर आती है, लेकिन अगर इस समय आप कुछ सावधानियां नहीं बरतते हैं तो इस मौसम में आपकी मुश्किलें बढ़ भी सकती है। कुछ लोग बारिश में नहाने के कारण सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं तो कुछ को आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। जी हाँ, बारिश अपने साथ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आशंकाएं भी लाती हैं। इस तरह मानसून हमारी बॉडी के सबसे संवेदनशील हिस्से आँखों में कुछ हानिकारक समस्याएं भी पैदा करता है, और अगर आँखों का ध्यान न रखा जाए तो आँखों में होने वाली समस्या कई बार गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जरूरी है कि इन दिनों में अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखा जाए। आमतौर पर बारिश के मौसम के दौरान होने वाले इन्फेक्शन न केवल डराने वाले बल्कि बहुत हानिकारक भी होते हैं। हमारी आँखों में होने वाले सबसे आम इन्फेक्शन हैं कंजंक्टिवाइटिस या आमतौर पर आई फ्लू, एस्टाई और कॉर्नियल अल्सर। बारिश के दौरान आँखों की देखभाल के लिए कुछ आसान सुझाव आपको बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए जानते हैं ये टिप्स। रोजाना ठंडे पानी से अपनी आँखें धोएं। जागने या कॉन्टैक्ट लेंस को हटाने के बाद अपनी आँखों को जोर से न रगड़े, क्योंकि यह कार्निया को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अपनी आँखों के नज़दीक आने वाले कपड़ों और अपने हाथों को साफ रखें। अपने निजी सामान जैसे तौलिए, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस आदि किसी के साथ शेयर न करें। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो धूप का चश्मा पहने, वे बाहरी तत्वों को हमारी आँखों में प्रवेश करने से रोकते हैं। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को हेल्थ और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए बैलेंस और हेल्दी डाइट लें। बारिश में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आँखों में अत्यधिक ड्राइनेस का कारण बन सकते हैं, जिससे आँखें लाल हो सकती है और उनमें जलन हो सकती है। साथ ही अपने चश्मे को साफ और ड्राई रखें। जिस एरिया में पानी जमा हो उस एरिया में जाने से बचें, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो आसानी से संक्रमित हो सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आप बारिश में अपनी आँखों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं।